हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर में मैंने लीनियर इन इक्वेशंस के ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। इसको सॉल्व करने के बाद आप जज कर पाएंगे कि लीनियर इन इक्वेशन के किसी किस टाइप के क्वेश्चन में आपको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले अगर आप लीनियर इन इक्वेशंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया गया है आप, और अगर डायरेक्ट इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो गूगल ड्राइव का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जहां पर जाकर के आप इस क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने आपके सैंपल पेपर जो काउंसिल की वेबसाइट पर है उसी से कलेक्ट किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। If x belongs to w means set of whole numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, then the solution set of in equation minus x greater than minus 7. इस equation को हमें solve करना है। Solve करने के लिए देखिए minus 1 से हम both sides multiply करेंगे और जैसे ही हम negative number से multiply करेंगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। मींस सॉल्यूशन इज एक्स इज लेस देन 7 एंड सॉल्यूशन एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो लेस देन 7 जो होल नंबर्स हैं वो इसके सॉल्यूशन सेट में कवर होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, If the replacement set is the set of integers between minus 6 and 8, then the solution set of this in equation is. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इन इक्वेशन को। इसको हमने सॉल्व किया है, x की टर्म्स लेफ्ट साइड में कलेक्ट किए हैं, कॉन्स्टेंट टर्म राइट साइड में, और यहां पर जब हमने माइनस 4 से डिवाइड किया है तो हमने इनइक्वालिटी की साइन को रिवर्स कर दिया है, क्योंकि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन में इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। हमें सॉल्यूशन मिला है x इज लेस देन 4.5। अब देखिए x इज लेस देन 4.5 के साथ साथ इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स जो रिप्लेसमेंट सेट है दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो देखिए कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो 4.5 से लेस हैं एंड बिटवीन माइनस 6 एंड 8 हैं। तो माइनस 6 और 8 के बिटवीन मींस माइनस 5, माइनस 4 एंड अप टू 7, इनमें से इस ये हमारे रिप्लेसमेंट सेट की रेंज है। अब इसमें से लेस देन 4.5 कौन से हैं, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 4 के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर 5 है That is greater than 4.5, तो वो include नहीं होगा। Means option C is the correct option. Question number 3, the solution set of this in equation where x is a positive odd integer. Replacement set हमारे पास है set of positive odd integer. तो देखते हैं इसमें से इस in equation को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन सेट कौन सा है, x बाय 2 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 3 माइनस 4। इसको सॉल्व करते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स मींस 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो इसमें से लेस देन 6 कौन कौन से इंटीजर्स हैं, 1, 3 एंड 5, मींस आवर सॉल्यूशन सेट इज 1, 3, 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एक्स इज लेस देन माइनस वाई देन माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो देखिए जो हमें गिवन था एक्स इज लेस देन माइनस वाई, अगर हम इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें बाय माइनस 1 देन वी विल गेट माइनस एक्स, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से देन वी विल गेट वाई, और क्योंकि हमने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, और यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मींस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
राइट एन इक्वेशन हूज सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ एज शोन बिलो। ये ग्राफ हमें गिवन है और इसको हमें इन इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है जिसका सॉल्यूशन ये है। तो देखिए, अगर हम इसको इसके ग्राफ को नोटिस करें तो इसमें -6 इंक्लूड है और -6 से ग्रेटर सब वैल्यूज, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन -6 आर इंक्लूड। मीन्स द रेंज ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखिए, क्या ये कोई ऑप्शन है? एक्स इज ग्रेटर देन -6 किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये जो सी और डी वाले ऑप्शन है इनको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, हो सकता है कि कोई ऑप्शन आपको ये मिले। तो चलिए, पहले हम ऑप्शन डी को सॉल्व कर रहे हैं। एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 2x माइनस 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स इज लेस देन 5, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन नहीं है, मींस ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। अब देखिए सी को सॉल्व करते हैं। -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। मीन्स इसी की सेकेंड फॉर्म ये है, दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इन दोनों को ध्यान से, सिंपली इस इन इक्वेशन को डिवाइड किया गया है -7 से, एक नेगेटिव नंबर से। तो जैसे ही हम एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, और वही इस कंक्लूजन में किया गया है। मींस दिस स्टेटमेंट अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, हमें गिवन है 20 इज लेस देन इक्वल टू -4x और इससे कंक्लूजन निकलता है ये। इसको हमें देखना है कि चेक करना है दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो देखिए -5 हमें इसके प्लेस पर चाहिए, मींस हमें -4 से डिवाइड करना होगा, और एक नेगेटिव नंबर से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे इस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा एंड वी विल गेट -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। और यहां पर कंक्लूजन में लिखा हुआ है -5 इज लेस देन इक्वल, मींस दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 इज ग्रेटर देन 5, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, -3 इज ग्रेटर देन -5 होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के रेफरेंस में अगर हम देखें, इफ 3 इज ग्रेटर देन 5 इट इंप्लाइज 1/3 विल बी लेस देन 1/5। दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड का तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 25 -4x इज लेस देन इक्वल टू 16 देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ रियल नंबर। चलिए सॉल्व करते हैं इस इन इक्वेशन को। -4x इज लेस देन इक्वल टू -9। अब जैसे ही हम -4 से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। सॉल्यूशन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25। देखते हैं सॉल्यूशन किस फॉर्म में गिवन है। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25 मीन्स एक्स या तो 2.25 है या इससे ग्रेटर है, मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 2.25। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस स्टेटमेंट इज ट्रू वेयर एक्स इज एन इंटीजर। इस बार हमें रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं इन इक्वेशन को। इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, -3 से मल्टीप्लाई किया है, देन वी विल गेट एक्स इज ग्रेटर देन 3/-2। रिवर्स हो गया है इनइक्वालिटी का साइन। द सॉल्यूशन वी विल गेट एक्स इज ग्रेटर देन -1.5। अब देखिए -1.5 से ग्रेटर इंटीजर, अगर हम नंबर लाइन पर देखें यहां कहीं मिडल में है -1.5, इससे ग्रेटर जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब हमारे सॉल्यूशन सेट में कवर हैं। 1.5 कवर नहीं है, इक्वल टू का मार्क नहीं है।
अब इसमें से कह रहे हैं कि इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, देखिए फर्स्ट होगा माइनस वन, देन जीरो, देन वन एंड सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज माइनस वन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ ए इज लेस देन बी, देन ए माइनस सी इज लेस देन बी माइनस सी, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। तो देखिए एक नंबर है जो हमने दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया है, मींस इफ ए इज लेस देन बी देन ए माइनस सी विल बी लेस देन बी माइनस सी, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ए इज लेस देन बी देन ए माइनस सी इज ग्रेटर देन बी माइनस सी, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखिए ये नेक्स्ट सेक्शन बी हम कवर करने जा रहे हैं, जो आपके सैंपल टेस्ट पेपर में 2 मार्क्स का है। सेक्शन ए और सेक्शन सी उसमें 1-1 मार्क के हैं, और सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क्स का है। तो ऑप्शन बी स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन दिस एंड एक्स बिलोंग्स टू एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4। इस क्वेश्चन में जो इन इक्वेशन हमें दी गई है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इन इक्वेशंस। फर्स्ट इन इक्वेशन -3 इज लेस देन एक्स माइनस टू, एंड सेकेंड इन इक्वेशन इज एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू -2x। अब x की वो वैल्यूज सॉल्यूशन सेट में कवर होंगी जो साइमल्टेनियसली इन दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। अब इन इक्वेशंस को अगर हम सेपरेटली लिखें, तो फर्स्ट इज -3 लेस देन एक्स माइनस टू, एंड सेकेंड इज एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू -9 -2x। ये एंड वर्ड बीच में जो हमने मेंशन किया, ये हमें बताता है कि हमें दोनों कंडीशंस को एक ही टाइम पर सेटिस्फाई कराना है, वो ही एक्स सॉल्यूशन सेट में कवर होंगे। चलिए दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3.6, और कंडीशन है एक्स इज बिलोंग्स टू एन, रिप्लेसमेंट सेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो देखिए कौन से ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो -1 से ग्रेटर हैं और 3.6 से लेस हैं। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, एंड 1 इज ग्रेटर देन -1 मींस 1, 2 एंड 3, दिस इज अवर सॉल्यूशन सेट। क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो नेचुरल नंबर 4 है वो ग्रेटर देन 3.6 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन इज 1, 2, 3। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस दीज टू इन इक्वेशन, और इन दोनों इन इक्वेशन को आप देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें नोटिस करने वाली बात कि और से जोड़ा गया है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इस और का रोल समझिए क्या होगा, एंड मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा, और का मतलब है या तो इसको सेटिस्फाई कर दे या इसको, वो हमारे सॉल्यूशन में कवर हो जाएगा। तो पहले दोनों का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं कि उनको कैसे कंबाइंड करना है। अब देखिए फर्स्ट इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिला है एक्स इज ग्रेटर देन 7, और सेकेंड इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। एक बार नंबर लाइन पर देखिए, हम इन दोनों सॉल्यूशंस को देखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है एक्स इज ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 मींस 7 से ग्रेटर जितनी भी रियल वैल्यूज हैं वो सब इस फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई करती हैं। सेकेंड है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, एक्स 5 के इक्वल है या इससे लेस है, ये एक्सक्लूड था। लेस मींस 5 से लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज कवर होंगी। तो अब देखिए और वर्ड का मतलब है कि इस रेंज में हो एक्स या फिर इस रेंज में हो, वो सॉल्यूशन में कवर होगा, किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है तो भी वो सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइंड करके लिखें तो हम लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन 7 और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, और किसी तरीके से इन्हें कंबाइंड नहीं किया जा सकता। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक्स इज ग्रेटर देन 7 और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये भी, इसमें डायग्राम शो नहीं हो रहा है, पहले हम डायग्राम शो करेंगे।
दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स टू इन इक्वेशंस ए एंड बी. हमें दो इन इक्वेशंस को डायग्राम की फॉर्म में गिवन है, ग्राफ की फॉर्म में गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी ये सेट्स में आपने स्टडी किया है. ए इंटरसेक्शन बी मीन्स द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. तो जो भी कॉमन होगा ए और बी में वो इसके सॉल्यूशन में कवर होगा. तो देखिए क्या कॉमन है. ए है माइनस टू से फाइव तक, फाइव एक्सक्लूड है, और बी है माइनस फोर से थ्री तक, और थ्री इसमें एक्सक्लूड है. तो देखिए माइनस टू से लेकर के और थ्री तक का जो पोर्शन है वो कॉमन है, और उसमें हमें देखना है ये जो थ्री है ये क्योंकि बी में एक्सक्लूड है तो ये ए इंटरसेक्शन बी में भी एक्सक्लूड होगा. तो रेंज जो मिली है हमें एक्स की दैट इज माइनस टू से ग्रेटर, और माइनस टू दोनों में इंक्लूड है तो इसलिए इसमें भी इंक्लूड होगा से लेकर के थ्री तक, एंड थ्री इज एक्सक्लूडेड. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, गिवन ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन एंड फाइव, एक्स बिलोंग्स टू आर. एंड सेकेंड, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन माइनस फोर एंड थ्री. देन द फाइंड द रेंज ऑफ ए माइनस बी. अब देखिए ए माइनस बी का क्या मीनिंग हुआ कि ए में से बी को माइनस करना है, जो रिमेनिंग होगा ए में वो इसके आंसर में कवर होगा. तो ये जो ए और बी हमें गिवन है इसको हम जरा नंबर लाइन पर देखते हैं. ए के लिए नंबर लाइन में ड्रॉ कर रही हूं माइनस वन से फाइव तक, और माइनस वन एक्सक्लूड है, फाइव इंक्लूड है. दिस इज द ग्राफ फॉर ए. अब देखिए बी के लिए ड्रॉ करते हैं. माइनस फोर इज इंक्लूडेड. एंड थ्री, थ्री इज एक्सक्लूडेड. दिस इज द ग्राफ फॉर बी. अब ए माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है. तो जब हम ए में से बी को माइनस करेंगे तो आप ये देखिए जो कॉमन पोर्शन है माइनस वन से लेकर के थ्री तक का वो माइनस हो जाएगा. तो ए में जो हमें रिमेनिंग मिलेगा वो है ग्रेटर देन थ्री वाला, ये पोर्शन है जो ए में ए माइनस बी के बाद रिमेनिंग है. थ्री को हमें चेक करना है. तो थ्री जो है वो बी में इंक्लूड नहीं है तो ये ए में रिमेनिंग होगा, माइनस नहीं होगा. मींस ए माइनस बी इज थ्री इज इंक्लूडेड एंड फाइव इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ऑलरेडी वो ए में इंक्लूड है. दिस इज द रेंज फॉर ए माइनस बी. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 17. सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशन एक्स बिलोंग्स टू आई. चलिए सॉल्व करते हैं. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इन इक्वेशन. फर्स्ट इज टू एक्स माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फोर, एंड सेकेंड इज 5x प्लस फोर लेस देन 11. और वो इंटीजर्स सॉल्यूशन में कवर होंगे जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई में मिला है. x इज लेस देन 1.4 मींस द फाइनल सॉल्यूशन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री एंड x इज लेस देन 1.4. 1.4 दिस इज एंड माइनस थ्री दिस. अब देखिए माइनस थ्री से ग्रेटर एंड 1.4 से लेस कौन से इंटीजर्स हैं. माइनस थ्री इंक्लूड है, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो एंड वन. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 18. सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉर दिस इन इक्वेशन वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर. तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं फिर इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे.
मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। नेगेटिव नंबर माइनस वन से डिवाइड करते ही इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा एंड द सॉल्यूशन इज एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 15। और कंडीशन हमें गिवन थी, सॉल्यूशन हमें मिला है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 15। अब देखिए कंडीशन है पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं 2, 4, 6, 8 अप टू 15 से लेस लेने हैं मींस 14 तक ले सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इन इक्वेशन, टू इन इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन इसमें है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके उनके सॉल्यूशन को हम कंबाइंड करेंगे। फर्स्ट इन इक्वेशन इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 2x-3 एंड सेकेंड इन इक्वेशन इज 2x-3 लेस देन इक्वल टू 5। और सेकेंड का मिला है x इज लेस देन इक्वल टू 4, मींस वो x हमारे आंसर में इंक्लूड होंगे जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 एंड लेस देन इक्वल टू 4। C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्यूशन इन इक्वेशन हमें गिवन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर गिवन है और सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। सिंपली टू इन इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन है। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते के साथ ही इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5 मींस अगर दोनों को कंबाइंड करें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 या -3/2 एंड लेस देन 5। C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 21, द सॉल्यूशन सेट फॉर द लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशन हमें गिवन है x बिलोंग्स टू i, रिप्लेसमेंट सेट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इन इक्वेशन। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड x इज लेस देन 3। इंटीजर्स हमें वो इंटीजर्स सेलेक्ट करने हैं जो -1 से ग्रेटर हो एंड -1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड और 3 से लेस हो, -1, 0, 1 एंड 2, 3 एक्सक्लूड है। -1, 0, 1 एंड 2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ क्यू इज इक्वल टू x सच दैट x लाइज बिटवीन 2 एंड 8, x इज अ रियल नंबर देन क्यू डैश इज डिफाइंड एज। ये आपने क्लास 9th में सेट्स में नोटेशन, ये वाला नोटेशन आपने स्टडी किया था। क्यू डैश मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस क्यू। अब इसमें ऐसे यूनिवर्सल सेट का क्लियरली आपको नहीं शो किया गया है, लेकिन यहां से देखिए x बिलोंग्स टू R मीन्स रियल नंबर जो है वो इस क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट है, देन q डैश विल बी इक्वल टू R माइनस क्यू। सिंपली हमसे जो वैल्यू फाइंड आउट करवाई जा रही है वो R माइनस क्यू की फाइंड आउट करवाई जा रही है। तो देखिए अगर हम q को नंबर लाइन पर ड्रॉ करें, q लाइज बिटवीन 2 एंड 8, 2 इज इंक्लूडेड एंड 8 इज एक्सक्लूडेड। दिस इज द रेंज ऑफ क्यू एंड वी हैव टू फाइंड आर माइनस क्यू। आर मीन्स ऑल नंबर्स लाइज ऑन रियल लाइन, रियल नंबर लाइन। तो देखिए आर में से अगर हम क्यू को माइनस कर देंगे तो ये इधर वाली हमें पूरी रेंज मिल रही है और ये लेफ्ट, ये राइट साइड वाली पूरी रेंज हमारे आंसर में कवर होगी। तो इस लेफ्ट वाली रेंज को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज x लेस देन 2, 2 इज एक्सक्लूडेड। और जब राइट साइड की रेंज देखें, दिस इज x इज ग्रेटर
ग्रेटर देन 8 एंड ऑल्सो इक्वल टू 8, 8 भी हमारे आंसर में है क्योंकि वो Q में इंक्लूड नहीं था. X इज ग्रेटर देन, X इज लेस देन 2 और X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन. मैं आपके साथ चैप्टर वाइज MCQs शेयर करूंगी, यूनिट उसके बाद हम यूनिट वाइज MCQs जो है वो शेयर करेंगे और फिर सैंपल पेपर्स आपके साथ शेयर करेंगे और बोर्ड एग्जाम्स की पूरी प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगी. मेरे डिटेल सॉल्यूशन में अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.